वेट लॉस विदाउट डाइटिंग, मतलब कि आप मोमोज खा सकते हैं, चाउमीन खा सकते हैं और साथ ही साथ अपने वजन को भी कंट्रोल रख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि वजन को कैसे कंट्रोल रख सकते हैं। उनके लिए महत्वपूर्ण है जैसे वाटर इनटेक, यह आपकी बार बार कुछ भी खाने की क्रेविंग को कम करने में मदद करता है। यह ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम रखता है और कैलोरीज बर्न करने में भी मदद करता है। और थोड़ा सा शाम को 7 बजे के बाद खाना ना खाएं, और इसके अलावा भोजन के बाद टहलना, इसके बाद जो 30 मिनट की हल्की फुल्की एक्सरसाइज करें, इसमें सबसे अच्छी एक्सरसाइज है कि बाथरूम वाले डांसर बन जाइए। अपने रूम को या बाथरूम को बंद कर लीजिए और खूब अच्छे से डांस कीजिए। अब हम उन पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आप नॉर्मली चाउमीन या फिर कोई भी ऐसा खाना बाहर का जो कि आपके वेट को अचानक से ज्यादा बढ़ा देता है, उनको खाने की टिप्स। नंबर वन, खाने को चबा चबा कर खाइए और ये सारी चीजें पेट भर के ना खाएं। थोड़ी थोड़ी देर में खाएं लेकिन एक बार में सारी प्लेट ना खाएं, क्योंकि साइकोलॉजी ये कहती है कि यदि आपने छोटी प्लेट में इतने सारे मोमोज रख लिए हैं तो आपका मन सोचता है कि अरे मैंने पूरी प्लेट भर कर खाए हैं, लेकिन आपने वहीं पे एक बड़ी प्लेट में थोड़े से मोमोज रख लिए तो आपको लगेगा अरे अभी तो प्लेट भरी हुई नहीं है तो मुझे और खाना चाहिए। तो थोड़ा सा अपनी साइकोलॉजी को भी समझें। इसके अलावा जब आपको चॉकलेट खाने का मन हो तो वहीं पे आप डार्क चॉकलेट खाएं। आपको फर्मेंटेड फूड तो पसंद नहीं होंगे, जैसे कि ब्रेड, इडली, पनीर, दही, ढोकला, ये सारे खूब खाएं, क्योंकि इनके द्वारा जो फैट हमारी बॉडी में बनता है वो हेल्दी फैट होता है। इसके अलावा अगर आप चावल के बहुत शौकीन हैं तो उसे बदल के गोल्डन राइस कर लें, और यही सब करने से आप देखेंगे कि केवल एक मंथ में आपका वजन 4 से 5 किलो कम हो गया। देखिए ये जो छोटी छोटी स्टेप्स है ना, ये लगती बहुत ऐसा है कि ये बहुत कॉमन है, लेकिन इन्हीं छोटी छोटी स्टेप से आप अपना वजन बहुत तेजी से कम होता देख